नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के यूनिट 1 से। आज का हमारा टॉपिक है, जिसे कि आप सभी जानते होंगे, डीएलएड प्रथम वर्ष के F8 में पढ़ना है हिंदी का शिक्षण शास्त्र। इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे, आज आपका टॉपिक है बिहार के संदर्भ में भाषा विविधता। हम लोग बिहार के संदर्भ में भाषा विविधता के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में जो है, यदि आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न का प्रारूप ऐसे हो सकता है कि बिहार के संदर्भ में भाषा विविधता से आप क्या समझते हैं, या फिर भाषा विविधता का परिचय प्रस्तुत करें। तो किसी भी तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है बिहार के संदर्भ में भाषा विविधता के बारे में, बस आप ये ध्यान रखेंगे भाषा विविधता आपसे पूछा गया है। और यदि बिहार के संदर्भ की बात की जाती है तो ये उत्तर आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आप सभी ने हेडिंग दे दिया होगा, हेडिंग आप दीजिए बिहार के संदर्भ में भाषा विविधता। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो आधुनिक भारतीय जो आपकी भाषाएं हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में बिहारी हिंदी की तीन बोलियां मानी गई, तीन बोलियां इसे माना जाता है। यहाँ हम बात करें बिहारी हिंदी के बारे में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी का अर्थ क्या हुआ? बिहारी हिंदी की यानी कि वैसी हिंदी जो कि बिहार में बोला जाता है, इसे हम लोग कहते हैं बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी की जो है तीन बोलियां मानी गई है। हिंदी तो आपका एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, जिसकी तीन बोलियां हैं। तीन बोलियां कौन कौन है? बिहारी हिंदी की जो है तीन बोलियां मानी गई है। पहला में आप लिखेंगे भोजपुरी। बिहारी हिंदी कितनी बोलियां है? तीन बोलियां इसे मानी गई है। आप वन में क्या लिखेंगे? वन में आप लिखेंगे भोजपुरी। पहला में आप लिखेंगे भोजपुरी, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड में आप लिखते हैं मगही। और थर्ड में आपको लिखना है, पहला हो गया आपका भोजपुरी, दूसरा हो गया आपका मगही, और तीसरा में आपको लिखना है मैथिली। यहाँ पे क्या है, बिहारी हिंदी की जो है तीन बोलियां है। तीन बोलियां कौन कौन है? पहला आपका हो गया भोजपुरी, दूसरा हो गया मगही, तीसरा हो गया मैथिली। तो ये तीन आपको लिखना है। डॉक्टर ग्रियसन जो है इन्हें बहिरंग भाषा कहते हैं। डॉक्टर ग्रियसन के द्वारा कहा गया क्या है? एक बहिरंग भाषा है, इसे भी आप उसमें लिख सकते हैं। इनमें जो है भोजपुरी भाषा, जो आपका भोजपुरी है वो कहाँ का है? भोजपुरी भाषा जो है भोजपुर की है। और मगही जो है प्राचीन मगध की भाषा, मगही के लिए हम बात करें तो आपका प्राचीन जो मगध था, तो मगध की भाषा आपकी कौन सी है? मगही है। तथा मैथिली का नामकरण, मैथिली की बात करते हैं तो मैथिली का नामकरण जो है मिथिला के नाम पर हुआ है। इनमें जो है प्राचीन साहित्य की दृष्टि से, लिटरेचर की दृष्टि से बात करें तो मैथिली का जो है अधिक महत्व पाया जाता है, क्योंकि मैथिली जो है हमें रामायण में मिलता है, मैथिली के बारे में पढ़ने को प्राप्त होता है। तो प्राचीन साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो मैथिली को जो है अधिक महत्व रखा गया है। चलिए, हमें जो कि ये बिहारी हिंदी की जो तीन ये बोलियां है, तो इन तीनों के बारे में भी हम विस्तार से समझते हैं, क्योंकि भाषा विविधता के बारे में जानना है। तो बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही और मैथिली जो है, इन तीनों के बारे में हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे भोजपुरी, आपको लिखना है भोजपुरी। भोजपुरी के बारे में हम समझते हैं, भोजपुरी क्या है, आप हेडिंग देंगे भोजपुरी। आधुनिक हिंदी में जो है भोजपुरी भाषा का हिंदी बोलियों में विशेष महत्व है। भोजपुरी में आप सभी लिखेंगे कि आधुनिक हिंदी में भोजपुरी भाषा का हिंदी बोलियों में जो है विशेष महत्व माना गया है। आधुनिक भोजपुर जो है,
आधुनिक जो भोजपुरी है कहाँ की है, जैसे मैंने कहा है कि भोजपुर बिहार में जगह है भोजपुर, तो भोजपुर का क्या है, भोजपुरी है। लेकिन यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में जो है भोजपुर क्या है ना, मल जनपद की राजधानी हुआ करती थी तथा भोज के वंशजों ने इसे बसाया था। जो राजा भोज आप सभी पढ़ते होंगे, तो राजा भोज के द्वारा क्या बसाया गया, भोजपुर जगह बसाया गया था और राजा भोज के नाम पर ही जनपद का नाम भोजपुर पड़ा था। जो भोजपुर क्या था, मल जनपद की राजधानी थी, जो जिसे भोज के वंशज थे, भोज के वंशजों ने इसे बसाया था और राजा भोज के नाम पर ही इसका नाम भोजपुर रखा और भोजपुर से ही जो है भोजपुरी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग प्राप्त होता है। प्राप्त है कि भोजपुर से ही, ये भी माना जाता है कि जो राजा भोज थे, राजा भोज से ही भोजपुरी शब्द की भी निर्माण हुआ है और भोजपुर जिसे मैंने कहा यहाँ पर कि जो उनके वंशज थे, उनके वंशज क्या किए, एक राजधानी बसाए जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, भोजपुर रखा। और इसके हम नामकरण की यदि बात करें तो भोजपुरी का अतिरिक्त जो है इस भाषा को जो है पूर्वी भाषा भी कहा जाता है। भोजपुरी के नामकरण कई सारे नामकरण इसके हैं, कई सारे इसकी उप बोलियाँ भी है, लेकिन इसको जो है भोजपुरी को जो है पूर्वी बोली भी या पूर्वी भाषा भी कहा जाता है, किंतु फिर भी जो है ये भोजपुरी नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसको लोग पूर्वी भाषा तो बोलते तो हैं, लेकिन फिर भी जो है भोजपुरी नाम से ही ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। यदि हम भोजपुरी की बोलियों की बात करें तो भोजपुरी की भी जो है चार प्रमुख बोलियाँ हैं। भोजपुरी कितनी बोलियाँ हैं, चार प्रमुख बोलियाँ, इसे भी आप लिख सकते हैं, भोजपुरी की जो है चार प्रमुख बोलियाँ हैं। चार बोलियाँ कौन कौन सी है, पहला आपका उत्तरी भोजपुरी, दूसरा है दक्षिणी भोजपुरी, तीसरा है पश्चिमी भोजपुरी तथा चौथा आपका है नगपुरिया। दक्षिणी भोजपुरी को जो है मूल भोजपुर की भोजपुरी माना जाता है। इसके अलावा जो है भोजपुर को जो है भोजपुरी लैंग्वेज को जो है और इसकी कई सारी बोलियाँ हैं, जिसको हम लोग सारण बोली, गोरखपुरी, छपरहिया तथा सोनपुरी भी इसी की बोलियाँ हैं। यानी जैसे कि एरिया वाइज जो है इसे बांट दिया गया, जैसे आप गोरखपुर के तरफ जाते हैं तो वहाँ जो भोजपुरी बोली जाती है उसे कहते हैं गोरखपुरिया भोजपुरी है। छपरा में जो भोजपुरी बोला जाता है उसे कहते हैं कि छपरहिया भोजपुरी है। जो सोनपुर में भोजपुरी बोला जाता है उसे कहते हैं सोनपुरिया भोजपुरी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष के अनुसार जो है इसकी बोलियाँ भी जो है बदलती चली गई है। यदि हम इसकी एरिया की बात करें, क्षेत्र की बात करें, आप देखेंगे क्षेत्र एरिया कि किस किस क्षेत्र में, किस किस एरिया में जो है भोजपुरी को बोला जाता है, तो इसमें आप सभी लिखेंगे कि भोजपुर के अंतर्गत या भोजपुर के अतिरिक्त जो है भोजपुरी जो है भोजपुर में बोला ही जाता है। भोजपुर के अलावा जो है आपके बनारस, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, ये सभी जिले क्या हैं, यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, ये सब जिले जैसे मैंने कहा यूपी के हैं। यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में आपका सारण प्रमंडल, चंपारण, आरा, छपरा के अतिरिक्त जो है आपके झारखंड के जो जिले हैं रांची, पलामू, इस सभी में भी जो है भोजपुरी भाषा बोली जाती है एवं समझी जाती है। इसके साथ ही साथ जो है भोजपुरी जो है उत्तर नेपाल की सीमा से दक्षिण में जो है कुछ एरिया में भी भोजपुरी भाषा को बोला जाता है। इसके साथ ही साथ आपके पटना के पास तक भी हमें भोजपुरी भाषा देखने एवं सुनने को मिलता है। यानी कि आप पास देंगे जो आपकी बिहार की राजधानी पटना है एवं झारखंड की राजधानी जो रांची है वहाँ तक भी भोजपुरी भाषा को बोला एवं समझा जाता है। यदि पूरे भारत की यदि हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग जो है 3.5 करोड़ लोग हैं। ये लगभग संख्या है कि पूरे भारत में जो है भोजपुरी बोलने एवं समझने वालों की संख्या कितनी है, 3.5 करोड़ है। ये बोलने वालों की संख्या लगभग अनुमानतः मानी गई है, जो कि क्या है, हिंदी प्रदेश की बोलियों में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली बोली की है। यानी कि जितनी आपकी मगही हो गया, मैथिली हो गया और भी जो हिंदी प्रदेश की जितनी भी उप बोलियाँ हैं, सबसे ज़्यादा जो है भोजपुरी को जो है बोला जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे बिहारी हिंदी की,
लेकिन हिंदी की और भी जितनी भी उप बोलियाँ हैं, सबसे ज़्यादा किस उप बोली को बोला जाता है? भोजपुरी को जो है सबसे ज़्यादा बोला जाता है। ये तो हम बात कर लिए इंडिया की, अब हम बात करते हैं विदेशी स्वरूप की। आपको जानकर आश्चर्य होगा, विदेशों में भी जो है भोजपुरी को बोला जाता है, समझा जाता है। तो आप सभी हेडिंग देंगे विदेशी स्वरूप, इसमें आप सभी को लिखना है कि भोजपुर का प्रसार जो है न केवल हिंदी प्रदेश बल्कि भारत के बाहर भी हुआ है। अनेक राष्ट्रों की जो है मुख्य भाषा के रूप में भोजपुरी प्रतिष्ठित है। यानी आप कह सकते हैं कि जो बाकी देश की जो मुख्य भाषा जो होती है, जैसे भारत की मुख्य भाषा क्या है, आपकी हिंदी है, उसी तरह बाकी राष्ट्रों में भी भोजपुरी को जो है मुख्य भाषा के रूप में माना गया है। भारत के बाहर हम देखते हैं तो मॉरिशस, त्रिनिदाद, गयाना, फिजी, सूरीनाम, ये ऐसे देश है जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, जिसमें मॉरिशस सबसे प्रसिद्ध है। मॉरिशस में तो ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो है भोजपुरी ही बोलते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि अंग्रेजी शासन में जो है, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय गिरमिटिया मजदूर के रूप में जो है भारत के बाहर लोगों को नौकरी करने के लिए लेकर जाया जाता था। तो इस दृष्टि से है भोजपुरी जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली बन गई है। यानी कि अंग्रेज के समय क्या होता था, मजदूरों को जो है नाव में बैठा कर उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो वैसे मजदूरों को जो है नाव के द्वारा बाहर लेकर जाता था काम कराने के लिए, और वो जा करके वहीं के बस के जाते थे, वहीं के होकर रह जाते थे। तो जो लोग भारत से बाहर गए, भोजपुर क्षेत्र से गए, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने भोजपुरी भाषा को विदेशों में भी इसका मतलब शुरुआत किया, वहाँ भी लोगों के द्वारा भोजपुरी को बोला और समझा जाता है। चलिए इसके उपरांत आप लिखेंगे भोजपुरी की उत्पत्ति, आप हेडिंग देंगे भोजपुरी की उत्पत्ति। इसमें आप सभी को लिखना है कि भोजपुरी का विकास जो है, भोजपुरी के विकास की बात करें तो इसका विकास जो है मगधी प्राकृत से हुआ है। मगधी प्राकृत से क्या हुआ है, भोजपुरी का विकास हुआ है। चूंकि जो है पूर्वी प्रदेश की अधिकांश बोलियां जो है मगधी से ही विकसित हुई है। जितनी आपकी बोलियां है, चाहे आपका वो मगही हो, मगही तो मगधी से हुआ है, आपका मैथिली हो या भोजपुरी हो, सभी क्या है मगधी प्राकृत से ही इस बोलियों का विकास हुआ है। अतः जो है भाषा वैज्ञानिकों ने जो है भोजपुरी को जो है बांग्ला की उप बोली भी मानते हैं। लेकिन यह एक राजनीतिक प्रपंच है, इस पर विशेष ध्यान इतना है कि भोजपुरी की प्रकृति जो है हिंदी के ही अनुरूप होती है, तथा बहुत कुछ जो है पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली हमें अवधी से भी प्राप्त होती है। यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी का, जो कि भोजपुरी को मगही और मैथिली से भिन्न मानते हैं, किंतु वस्तुतः इसका विकास जो है इन्हीं भाषाओं के साथ मगधी से ही उनके द्वारा माना गया है। यानी कि आप कंक्लूजन में कह सकते हैं भोजपुरी की उत्पत्ति जो है कैसे हुई थी, जो मगधी प्रकृत से हुई है। आपको बस इतना लिखना है, आप बस एग्जाम में इतना याद करके लिख सकते हैं कि भोजपुरी की उत्पत्ति जो है मगधी प्रकृत से हुई है, ठीक है। इसके उपरांत हम बात करते हैं साहित्य के बारे में। भोजपुरी भाषा में जो है साहित्य रचा गया है, हिंदी रचा गया है, इसके बारे में भी हम बात करें, साहित्य के बारे में बात करें, तो हमें प्राप्त होता है कि भोजपुरी भाषा में जो है प्राचीन साहित्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। जब हम मध्यकाल में आते हैं, मध्यकालीन में जो है साहित्य पर जो है भोजपुरी का प्रभाव अवश्य पड़ा है। उसके बाद आधुनिक काल में जो है भोजपुरी साहित्य का विकास भी हुआ है और हमें रचनाएं भी प्राप्त हुई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भोजपुरी में जो है प्राचीन काल में साहित्य नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन मध्य काल में जो है कुछ रचनाओं पर भोजपुरी का प्रभाव पड़ा है और आधुनिक काल में हमें इसकी रचनाएं भी प्राप्त हुई है। और यदि हम साहित्यकार की बात करें तो आप सभी को पता होगा भोजपुरी के जो साहित्यकार हैं उनका नाम है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को जो है भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, या फिर भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिचंद को आप सभी जानते होंगे, वो हिंदी के पितामह उन्हें कहा जाता है, और शेक्सपियर को जो है इंग्लिश का पितामह कहा जाता है। उसी तरह भोजपुरी के यदि पितामह की बात करें तो भिखारी ठाकुर जी हैं।
इसके अलावा जो है साहित्यकार की और हम बात करें तो भोजपुरी साहित्यकार में भिखारी ठाकुर के अलावा राहुल साकृत्यान, कृष्णदेव उपाध्याय, चतुरी चाचा, रघुवीर इत्यादि की रचनाएं भी जो है हमें भोजपुरी भाषा में प्राप्त होती है। आप जो है साहित्यकार में भिखारी ठाकुर का नाम याद रखेंगे रखेंगे, साथ ही साथ राहुल साकृत्यान और बाकी भी जो मैं नाम गिनाया उनको भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन भिखारी ठाकुर आपको जो क्या है मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें जो है इनका उपनाम दिया जाता है। भिखारी ठाकुर को हम लोग भोजपुरी का शेक्सपियर या फिर भोजपुरी का भारतेंदु भी इन्हें हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिनेमा की, यानी कि मूवी की। तो सिनेमा में आप सभी जानते होंगे सिनेमा जगत में जो है भोजपुरी ही वह हिंदी की वह बोली है जिसमें सबसे ज़्यादा फिल्मों का निर्माण किया जाता है। यानी हिंदी के बाद यदि हम बात करें हिंदी की किसी उप बोली की तो भोजपुरी ही वह बोली है जिसमें सबसे ज़्यादा फिल्मों का निर्माण हुआ है, फिल्मों का निर्माण किया जाता है। यदि हम भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं की बात करें, कि भोजपुरी की विशेषताएं की बात करें तो इसमें आप लिख सकते हैं, आप हेडिंग देंगे भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं। इसमें आप सभी को लिखना है भोजपुरी जो है ध्वनि, भोजपुरी की जो ध्वनियां होती है वो सामान्यतः हिंदी की अन्य बोलियों की ही भांति होती है। जैसे हिंदी की अन्य बोलियां है जैसे आपका हो गया जैसे मैंने लिखा था मगही मैथिली, उसी तरह भोजपुरी का भी ध्वनियां उसी तरह होता है। लेकिन अंतर क्या होता है कि भोजपुरी भाषा में अवरोह न होकर लयनात्मक और सुराघात पाया जाता है जिसके कारण भोजपुरी में उच्चारण महत्वपूर्ण रहता है, बहुत अधिक महत्व हो जाता है। यानी कि भोजपुरी आप बोल रहे हैं तो भोजपुरी में जो है उच्चारण का बहुत ही महत्व रहता है। उच्चारण क्या होना चाहिए, लयनात्मक, आपके उच्चारण में लयनात्मकता होनी चाहिए, यानी कि आपके सॉफ्टनेस होनी चाहिए उच्चारण में। यदि हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत करें भोजपुरी का, आप लिखेंगे कि काहे 10-15 हजार के भीड़ होला ये नाटक देखे खातिर। मालूम होता कि ये नाटक में पब्लिक के बहुत रस मिलेला, यानी कि आनंद मिलेला। तो हमने यहाँ क्या देखा है, काहे उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया था, काहे 10-15 हजार के भीड़ होला ये नाटक देखे खातिर, बुझाता कि ये नाटक में पब्लिक के बहुत मन लगेला या पब्लिक के बहुत नीक लगेला। तो इसमें हम क्या देखें, एक लयनात्मक लयनात्मकता नज़र आती है, इसमें सॉफ्टनेस नज़र आता है इसकी विशेषता में। तो चलिए हम अब बात करें तो भोजपुरी के बारे में, अब आप लिखेंगे मगही, मगही हेडिंग देंगे मगही। इसमें आप सभी को लिखना है कि प्राचीन मगध की भाषा को ही हम लोग क्या कहते हैं, मगही कहा जाता है। प्राचीन जो मगध की जो भाषा थी तो मगधी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मगही के नाम से जानते हैं। आप मगही को, मगधी को क्या बोलते हैं, मगही के नाम से जाना जाता है। इसका विकास जो है मगधी से ही हुआ है। प्राचीन मगध के अंतर्गत यदि हम प्राचीन जो मगध था उसके अंतर्गत हम आधुनिक की बात करें तो आधुनिक में आता है पटना, गया, हजारीबाग, पलामू के पश्चिमी भाग, उसके साथ ही मुंगेर और भागलपुर के कुछ हिस्से इसमें सम्मिलित होते हैं। इस पूरे क्षेत्र में जो है मगही बोली एवं समझी जाती है। मगही की जो है कोई भी उप बोलियाँ नहीं है, यानी कि मगही क्या है, एक अकेली बोली, मगही का कोई भी उप बोली नहीं होता है। अगर साहित्य की बात करें हम मगही की तो मगही के साहित्य भी हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसकी भाषा वैज्ञानिक आधार क्या है, भोजपुरी से जो है मिलता जुलता है। वैज्ञानिक आधार की बात करें हम तो भोजपुरी और मगही में जो है बहुत हमें सिमिलरिटी आप कह सकते हैं, समानता जो है हमें दिखाई देती है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मैथिली के बारे में। तो मैथिली में आप सब लिखेंगे कि मैथिली जो है बिहार के मिथिलांचल की भाषा है। मैथिली कहाँ की भाषा है, मैथिली आपकी जो है बिहार के मिथिलांचल की भाषा है। यह प्रदेश जो है मुख्यतः प्राचीन वैशाली, विदेह और अंग राज्यों को मिलकर के बना था। आधुनिक युग की बात करें, यदि वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में आपका जो है मैथिली क्षेत्र कौन पड़ता है, बिहार के मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा,
समस्तीपुर, पूर्णिया, भागलपुर के अधिकांश भाग, इसके साथ ही साथ आपके उत्तर पूर्वी मुंगेर और नेपाल की तराई में जो है मैथिली बोली एवं समझी जाती है। तो ये क्या था, हम आज क्लास में बात कर रहे थे बिहार के संदर्भ में भाषा विविधता के बारे में, हमें बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली के बारे में विस्तार से बात किया, विस्तार जाना, क्योंकि मगही और मैथिली में हमें बहुत ज़्यादा आर्टिकल, बहुत ज़्यादा चीज़ें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन भोजपुरी में बहुत से रचनाएँ, रचनाकार, साहित्यकार भी प्राप्त हुई, इसके बारे में हमने आज के क्लास में, आज के वीडियो में बात कर रहे थे। तो इस तरह के प्रश्न यदि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। जब भी बिहार के संदर्भ में भाषा विविधता की बात आएगी, बिहार में बोली जाने वाली भाषाएं के बारे में बात आएगी, तो आपको तीन को हमेशा याद रखना है, भोजपुरी, मगही और मैथिली के बारे में। तो आज के क्लास में इतना ही, हम अगले क्लास में DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड FET के बाकी यूनिट को आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।